छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर राजपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति पारा गर्म हो गया है। इसके बाद अब बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब से 5 बार माफी मांगी, उन्होंने ऐसा कहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने उनके बयान पर तंज कसा है और इससे एक बार फिर महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। मुख्यमंत्री ने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने एक मांग की है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह शिवाजी महाराज की जयकार करते हैं, लेकिन उनके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वाभिमान का नारा देकर शिवसेना को तोड़ा था और बीजेपी के साथ चले गए थे। आज कहां गया उनका स्वाभिमान, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। सिर्फ राज्यपाल की बात नहीं है, राज्यपाल महोदय ने एक साल में 4 बार शिवाजी महाराज का अपमान किया है, ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले का अपमान किया है, फिर भी सरकार चुप बैठी है। भारत के भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई सुधांशु त्रिवेदी, कल उनकी बात आप सुन लीजिए, दिखाओ पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, आदर्श मानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी शिवाजी महाराज को आदर्श मानते हैं, महाराष्ट्र में आकर जय जयकार करते हैं।